हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु मोटर चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं जावा की बाइक। ये है जावा की प्राक, जो कि अपने को 350 cc इंजन के साथ में मिलती है और कुछ डिफरेंट लुक के साथ में आती है। इस प्रकार के अपने को इसमें की मिल जाती है, ट्रैक्टर की सी की आती है, चौड़ी सी बिल्कुल, और साइड में की लगती है। सेंट्रल लॉक वगैरह का इसमें कोई सिस्टम नहीं आता है और साइड में की लगती है। उसी के साथ साथ स्टीयरिंग के पास में इसका स्टीयरिंग लॉक अनलॉक होता है। तो इस प्रकार का इसका हॉर्न आता है। सारी बॉडी इसकी मेटल के अंदर मिलती है, कोई प्लास्टिक का पार्ट्स इसमें नहीं आता है। लगभग सारे के सारे पार्ट्स इसके मेटल के अंदर आते हैं। उसी के साथ साथ हम बात करें गाड़ी के वेरिएंट और कलर के बारे में, तो इसके अंदर अपने को एक ही वेरिएंट और एक ही कलर मिलता है, अलग कोई ऑप्शन नहीं आता है। गाड़ी के इंजन की बात करें तो 334 cc का इसका इंजन आता है, जो कि अपने को 30 bhp की पावर दे देता है। उसी के साथ साथ टॉर्क की बात करें तो इसके अंदर अपने को 32.74 Nm का टॉर्क मिल जाता है। BS6 गाड़ी है, जो कि सिंगल सिलेंडर के साथ में आती है। 6-speed गेयरबॉक्स आता है इसका, और उसी के साथ साथ इसके अंदर लिक्विड कूल्ड इंजन आता है। गाड़ी के फ्यूल टैंक की बात करें तो इसके अंदर 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और 2.8 लीटर का रिजर्व टैंक मिल जाता है। गाड़ी के माइलेज की बात करें तो 25 से लेकर 35 तक की माइलेज इसके अंदर अपने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ टॉप स्पीड की बात करें तो 130 से 140 तक की इसमें टॉप स्पीड मिल जाती है। और इस प्रकार का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है सेमी डिजिटल एंड एनालॉग के साथ में। तो ये सिंगल सीट के साथ में अपने को मिलती है, जो कि काफ़ी कुशन वाली सीट है और काफ़ी कंफर्टेबल सीट अपने को मिल जाती है। ड्यूअल चैनल इसके अंदर ABS मिल जाता है और फ्रंट एंड रियर के अंदर इसमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं। उसी के साथ साथ फ्रंट के अंदर 280 mm का और रियर में 240 mm का डिस्क मिल जाता है। स्पोक व्हील के साथ में आती है, इसके अंदर अलॉय व्हील वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं आता। और बात करें गाड़ी के सस्पेंशन की, तो इसके अंदर अपने को फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फोर्क सस्पेंशन मिलते हैं और रियर के अंदर मोनोशॉक 7-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं। टेल लाइट की बात करें तो LED के अंदर इसकी टेल लाइट अपने को मिलती है, जो कि काफ़ी यूनिक लुक इसका देती है। बात करें गाड़ी के टायर साइज की, तो इसके अंदर फ्रंट में अपने को 18 इंच के और रियर के अंदर अपने को 17 इंच के टायर मिल जाते हैं। टायर साइज की बात करें तो फ्रंट के अंदर 100 18 के और रियर के अंदर 140 17 के टायर मिल जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार के लुक के साथ में आती है। इसके अंदर ये बैग और पिलियन की ये सीट एसेसरीज के अंदर लगाई हुई है और यहाँ पर अपने को एक हार्ड मटेरियल मेटल के साथ में कवरिंग मिल जाती है, जो कि काफ़ी बेस्ट बनाती है इस गाड़ी को। उसी के साथ साथ अपने रॉयल एनफील्ड का लुक इसमें अपने को मिलता है। ये कंपनी वैसे अभी दोबारा लॉन्च हुई है, लेकिन काफ़ी पुरानी कंपनी है। बात कर ले गाड़ी की प्राइसिंग की, तो 2,08,312 रुपये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। ऑन रोड की बात करें तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शोरूम के नंबर डिटेल वगैरह डाल दूंगा, तो उनसे आप बात कर सकते हो। तो ये है इसकी जावा की प्राक, जो कि आप देख सकते हो। इसका जो फ्यूल का कैप है वो भी काफ़ी यूनिक अपने को मिलता है और काफ़ी अच्छी डिजाइन के साथ में मिल जाता है। गाड़ी के ऊपर मार्किंग काफ़ी कम जगह अपने को मिलती है इसकी। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसके अंदर अपने को स्पीड, अपना फ्यूल का लो फ्यूल इंडिकेटर, ABS, न्यूट्रल, और उसी के साथ साथ अपनी हेडलाइट, ट्रिप 1 ट्रिप 2, साइड स्टैंड, ये सारे फीचर मिल जाते हैं। साइड में अपने को मिरर मिल जाते हैं बार में। ये अपना क्लच, जो कि काफ़ी हार्ड है, ये अपना हाई बीम लो बीम के लिए, और ये अपना इंडिकेटर वगैरह, और इसी के साथ साथ ये अपने सेल्फ और इंजन किल स्विच वगैरह मिल जाते हैं। तो ये आपको गाड़ी कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसके अंदर बड़ा सारा अपने को रेडिएटर मिलता है, जो कि इंजन को काफ़ी ठंडा रखता है। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी के हेड से ही अपने को डबल साइलेंसर मिलते हैं, जो कि गाड़ी के साउंड के साथ साथ इंजन को भी काफ़ी रिफाइंड रखते हैं, जिससे इंजन की लाइफ बढ़ जाती है और साउंड क्वालिटी बढ़ जाती है। अगर आप इस गाड़ी के अंदर न्यू एग्जॉस्ट लगाना चाहते हो
या चेंज करवाते हो तो उसकी साउंड अपने को काफ़ी अच्छी मिल जाती है, काफ़ी बेहतर मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर इंजन के हिसाब से काफ़ी अच्छा पावर मिलता है, उसी के साथ साथ काफ़ी अच्छा टॉर्क इस गाड़ी में मिल जाता है। तो ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो देखते रहें। ये जावा के शोरूम में अपने को एक अलग से बोर्ड मिल जाता है जिसके ऊपर कंप्लीट अपने को डिटेल मिल जाती है, हर गाड़ी के लिए अलग अलग बोर्ड रखे हुए होते हैं, तो आप देख सकते हो बिल्कुल इस गाड़ी के लिए जावा प्राग के लिए बोर्ड रखा हुआ है।